शरद पूर्णिमा की रात यहाँ बना दे स्वस्तिक, अरबपति बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इस बार शरद पूर्णिमा का जो महापर्व है वो कुछ पंचांगों में 23 तारीख को यानी 23 अक्टूबर को बताया है और कुछ पंचांगों में 24 अक्टूबर बुधवार को बताया गया है। तो हालांकि 24 अक्टूबर को अधिकतम पंचांगों ने शरद पूर्णिमा का महापर्व बताया गया है, तो आप 23 या 24 दोनों में से किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय में आपको बस इतना करना है कि हम जिन स्थानों पर आपको बताने जा रहे हैं वहां पर आपको स्वस्तिक का निशान, जिसे सांतिया कहा जाता है, वो आपको बना देना है। लाल रंग की जो रोली आपके घर में पूजा स्थल पर उपलब्ध होती है उसको आप पानी में घोल करके और किसी भी जो है माचिस की तीली से या किसी भी जो है रुई में जो है एक काड़ी बना करके उससे स्वस्तिक का चिन्ह बना सकते हैं। स्वस्तिक का चिन्ह हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। उस प्रकार से आप स्वस्तिक का निशान अपने घर में इन इन स्थानों पर बना दीजिएगा, क्योंकि आश्विन मास के जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा होती है वह शरद पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा भी उसे कहा जाता है। कोजागरी का अर्थ यह होता है कि कौन कौन जाग रहा है। माता महालक्ष्मी पृथ्वी के ऊपर भ्रमण करने आती है और वह देखती है कि कौन कौन भक्त जाग रहा है और मेरे प्रिय निशान स्वस्तिक का चिन्ह किन किन घरों में बना हुआ है। जिस घरों में स्वस्तिक का चिन्ह उनको दिखाई देता है उस घर में माता महालक्ष्मी प्रवेश कर जाएगी और उस घर में स्थायी रूप से निवास करेगी। तो आप अपने घर में जो है लाल रंग की जो रोली होती है उसको पानी में अच्छी प्रकार से घोल ले और जैसे ही सूर्यास्त हो 23 अक्टूबर की रात्रि में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं और 24 अक्टूबर की रात्रि में भी इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही रात्रि में पूर्णिमा रहेगी। इसलिए इस उपाय को आप रात्रि के समय करें और सबसे पहले अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वस्तिक का निशान बना दे, स्वस्तिक जिसे सांतिया भी कहा जाता है, स्वस्तिक का चिन्ह बना दे और उसके बाद अपना जो बैठक स्थल होता है वहाँ पर स्वस्तिक का निशान बना दे और उसके बाद अपना जो पूजन स्थल होता है जहां पर आप पूजन करते हैं, पूजन घर में भी किसी भी दीवार पर आपको स्वस्तिक चिन्ह बनाना चाहिए। इसके अलावा जहां पर आप भोजन निर्माण करते हैं जिसे रसोई घर या किचन कहा जाता है वहां पर भी आप एक स्वस्तिक का निशान बना दीजिएगा। इसके अलावा आपका जो शयन कक्ष है, बेडरूम है, वहां पर भी एक स्वस्तिक का आप निशान बना दीजिएगा। इसके अलावा आपके बच्चे जहां पर बैठ करके पढ़ाई करते हैं वहां पर भी उस कमरे में एक स्वस्तिक का निशान जरूर बना देना। इसके अलावा जो आपका घर का भंडार गृह है, स्टोर रूम जिसे कहा जाता है, वहां पर भी आप स्वस्तिक का निशान बना दीजिएगा। और अन्य कक्ष जिसमें अतिथि के लिए या अन्य कोई कक्ष ऐसे हैं जहां पर आप बैठते हैं वहां पर भी स्वस्तिक का निशान आप जरूर बना दीजिएगा। यदि आप अपने कार्यस्थल में, व्यापार स्थल में, फैक्ट्री में या किसी भी दुकान में बनाना चाहते हैं तो वहां पर भी आप जो है अलग अलग दिशाओं में अलग अलग स्थानों पर स्वस्तिक का निशान यदि बना देंगे तो माता महालक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए स्थायी रूप से निवास करेगी और कभी भी आपका घर छोड़ करके अपने घर या अपने धाम को नहीं जाएगी। तो स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आप जरूर अपने घरों में जो है स्वस्तिक का चिन्ह बना दीजिएगा, जिससे माता महालक्ष्मी आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए चिरस्थायी होकर के निवास करेगी और आप धनवान रहेंगे, आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास हो सकेगा। तो मित्रों हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।